love story pure 9 months ki. Personal details mein aap Sarang ke love life ke bare mein kyun janna chahti hain? Ab wo actually राइटर को इंस्पिरेशन दो चीजों से मिलती है, पहला प्यार और दूसरा दर्द. और हमें लगता है कि आलिया जी ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि हमारे शब्दों के पीछे की प्रेरणा क्या है, है ना आलिया जी? हाँ, सारंगधर बिल्कुल ठीक कह रहा है. सारंगधर, मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी. देखो, अगर हमें को पेरेंट करना है तो तुम्हारे बारे में जानना मेरा राइट है. इसका मतलब धीरे धीरे आलिया जी अब हमें बच्चे के पिता के रूप में देख रही है. अगर तुम्हें को पेरेंटिंग की एक्सक्यूज नहीं दूंगी तो तुम्हारा वीक स्पॉट कभी नहीं जान पाऊंगी. सॉरी सारंगधर. जी आलिया जी, पूछिए, आपके सामने बैठे. तो बताओ, तुम अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हो? 5 साल में एक किताब के लेखक के तौर पर और हमारे बच्चे के. सारंगधर, कॉन्सेंट्रेट. मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूं, बच्चे के बारे में नहीं. तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? एक, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं? He's right. मैं उसका जॉब इंटरव्यू क्यों ले रही हूँ? मुझसे स्मॉल टॉक्स नहीं हो सकते. आलिया जी, सवाल भूल गई क्या? नहीं, अभी मुझे जाना है. मैं एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लूंगी, रिसर्च कर लेती हूँ, फिर तुमसे पूछूंगी. ठीक है. एक्चुअली सारंगधर, अगले 3 दिन तक तुम लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में मुझे रिपोर्ट करना, तभी मैं तुम्हारे बारे में चीजें जान पाऊंगी. इन 3 दिनों में कुछ तो ऐसा फाइंड आउट कर लूंगी मैं जिससे तुम्हें दूर भेजने का रास्ता मिल जाए. सी यू. आलिया जी, हमें ऑल द बेस्ट तो कहिए, हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आज पहली बार आलिया जी के मुंह से को पेरेंटिंग शब्द सुना हमने. अब बस हमारी आज की मीटिंग अच्छी हो जाए तो हम भी काबिल बाप बनने के सफर में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे. सुनिए ना, मेहता साहब कहाँ मिलेंगे? रूम में. अच्छा दादा, साउंड ओके? ओके सर. सर सर, फाइनली. तुम? सर, 1.5 घंटे से हम आप ही का इंतजार कर रहे थे. और उसके बाद भी तुमको लगता है कि मैं तुमसे बात करूंगा? इंडस्ट्री के बड़े से बड़े एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, किसी की मजाल नहीं है कि मेरे ऑफर को रिजेक्ट करे. और तुम, हाउ डे यू? सर सर, लिसन यंग मैन, तुमने एक बहुत बड़ा मौका नहीं, एक जिंदगी बदलने वाला मौका गवा दिया है. लीव. जिंदगी तो हमारी बदलने वाली है. सर सुनिए ना, एक आखिरी मौका तो दीजिए हमें. जागती आंखों का सपना सिनेमा, नवरस से भरी ये दुनिया सिनेमा, बांझ से रेगिस्तान में जैसे हरियाली की बहार हो सिनेमा, जिंदगी से लड़ रहे हर उस इंसान को रोमांचक सौगात है सिनेमा. एक आदमी को जो बनाए शान में एंग्री यंग मैन, वो ताकत रखता है सिनेमा. सुनाई न दे जिसे आवाज उम्मीद की, उसके लिए आशा का आहलाप है सिनेमा.
घर में दिन रात काम कर रही गृहिणी के लिए शुक्रवार का पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक है सिनेमा, किसी के लिए नृत्य की पाठशाला, तो किसी के लिए कलाकारी का महाविद्यालय है सिनेमा। एक बात कहूंगा, तुम्हें अपने टैलेंट की कदर नहीं है, इसीलिए तुमने मुझे मना कर दिया। सर पर आपको तो है सर, जैसे एक छोटा सा पौधा अच्छे खाद से सींचता और खिलता है, वैसे हमें खेलने का मौका दीजिए, हम जी जान लगा देंगे सर, आपको हताश नहीं करेंगे, हम आपकी फिल्म का पहला ड्राफ्ट मुफ्त में लिखेंगे, एक बार लिखवा कर तो देखिए प्लीज। कैसे लिखते हो वो सब तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस काम के लिए पैशनेट हो या नहीं, इतने बड़े चांस के लायक हो या नहीं। सर हम अपनी काबिलियत का हर सबूत आपके सामने पेश करने के लिए तैयार हैं, बताइए सर हमें क्या करना होगा। से कहा देख रही पत्थर मार के भागेगी का? कौन काम आ? ये तो बज रहा ये धतूरो खायो का? अरे वैद्य जी आप कहाँ आओ, कब से फोन कर रहे हैं आपको? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात तो हाँ। अरे पागल हो गई है क्या? अरे वो लड़की है थाली गिरा दी से। हाँ ठीक है चलो। सुनीता आ गई। गुड मॉर्निंग आलिया जी। सारंगधर तुम? अरे आप चौक क्यों गई? आप ही ने तो बुलाया था सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक, तीन दिन। हाँ ब्याह आया ये। आलिया जी, आलिया जी आप ठीक हैं? आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई कहीं? हम डॉक्टर को कॉल करें क्या? नहीं सारंगधर। कुछ कहा क्या आलिया जी आपने? हाँ क्या था? हाँ नमक, ये काली मिर्च। उठ लेते हैं। सारंगधर तुम किचन में क्या कर रहे हो? आलिया जी या पीजिए, आपको बेटर फील होगा। सारंगधर मुझे ऑलरेडी बेटर फील हो रहा है, थोड़ी सी मॉर्निंग सिकनेस थी। कैसी सिकनेस? आपको क्या हो गया? मॉर्निंग सिकनेस सारंगधर प्रेगनेंसी में कॉमन होता है। आलिया जी ये क्या कर रही हैं आप? नोट्स बना रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब चेकअप के लिए जाऊँ तो राबिया को मॉर्निंग सिकनेस के बारे में बता सकूँ। नेक्स्ट टाइम? अरे तबीयत आपकी अभी खराब है, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, हम राबिया जी को कॉल करते हैं। सारंगधर स्टॉप। प्रेगनेंसी में नौजिया, मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग बहुत कॉमन है और 9 मंथ्स में एक औरत के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हर एक चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा वो क्या है ना आलिया जी, आपके पहले कभी हमने किसी गर्भवती महिला को देखा नहीं है,
हमारे घर में दो बड़ी बहनें हैं पर कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो इसलिए पता नहीं है। मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ, मैंने भी कभी किसी की प्रेगनेंसी नहीं देखी है, लेकिन इस प्रेगनेंसी के लिए मैं तैयार हूँ। 9 months के डिफरेंट स्टेजेस में क्या करना है, क्या डाइट खानी है, क्या एक्सरसाइज करनी है, मैंने सबके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। और कसम से आलिया जी, एक औरत को माँ बनने के लिए कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और आदमियों को क्या करना होता है? कुछ नहीं, बस 9 months बाद बैठे बैठे बच्चा मिल जाता है। So unfair. देखिए, ये कितना अनफेयर है उसका जवाब हमारे पास है, पर पहले आप ठीक हो जाइए, फिर बात करेंगे। मैं ठीक हूँ। आप ये पीजिए। चलिए। अच्छा लगा ना? हाँ, ये मेरी अम्मा का नुस्खा है, नींबू, काली मिर्च और नमक डाल के ना जब भी हमें उल्टी होती थी हमें पिला देती। देखिए, अम्मा का नाम लिया और अम्मा का ही कॉल आ गया। आलिया जी, उठाना पड़ेगा, 2 मिनट। हेलो अम्मा, प्रणाम। अरे इतनी सुबह सुबह कॉल किया? अरे वैसे भी आज तो सिनेमा देखने का दिन है ना, आज मैं भगवान से मिलने नहीं गई। हाँ लल्ला, जाएंगे। लेकिन जय बता, तू टीवी पर क्या कर रहा था? तुम्हारी आलिया जी है ना, उनका इंटरव्यू लगा था। तुम्हारे बाबूजी तो बस देखते देखते रह गए तुम्हें। अच्छा अम्मा, हमको ना कुछ बताना है। बोलना। तुमने बिकी डोनर देखी है क्या? हाँ, क्यों? कहीं तू आयुष्मान खुराना से तो ना मिल लिया? नहीं। तो फिर यामी गौतम से मिले? वैसे लल्ला एक बात बताएं, ये जो अपनी अपनी काव्या है ना, उसकी नाक नक्स बहु यामी गौतम जैसी है। हमें तो बहुत अच्छी लगती है। हम तो रोज सुबह उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं और जवाब में वो दिल बना के भेजती है लाल रंग का। अच्छा सुन, ये बता कि ये दिल बनाते कैसे है? अम्मा अम्मा, हम कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन तो लो। हाँ हाँ लल्ला, अब तक तो आधे मथुरा को पता चल गया होगा। तुम्हारे बापू भी तुम्हें देखते देखते बस रह गए। लल्ला सख तो हो ही गया उन्हें भी। क्या, आधे मथुरा को और बापू को भी पता चल गया है? यही बताना चाहता है ना कि तू समाचार में आया है। अरे देख लिया हमने। नहीं अम्मा वो, अरे कमलेश्वरी, लल्ला तुम्हारे जालिम बापू आ रहे हैं। फोन रखते हैं हम। हाँ शाम में करेंगे। अम्मा हेलो, कमलेश्वरी, अरे मेरी भूरी वाली कोटी कहाँ है? हाँ? लल्ला से बात कर रही थी और बात करने में इतना मगन हो गई कि हमारी आवाज भी अनसुनी कर दी। नहीं, अगर लल्ला का फोन हो तो भी हमारे ठेंगे से, वो फोन करे तो करे, लेकिन तुम फोन करने की सोचना भी मती। न जाने कितनों पैसों लग जाए इतना दूर मथुरा से मुंबई फोन करने में। मुंबई? लल्ला मुंबई में है? वो वहां कब पहुंचा? चलो फिलहाल तो तुम्हें हम मंदिर पहुंचा देते हैं, प्रसाद के साथ साथ लेंगे लल्ला की जानकारी। आओ। आलिया जी, उस दिन ऑफिस के बाहर नारेबाजी देख के आपके ड्राइवर ने काम छोड़ दिया। वैसे देखने में तो भरोसेमंद लग रहा था वो। आपको चाहिए? आपको ताश? आलिया जी, हम ताश नहीं खेलते, हमें खेलना ही नहीं आता। सारंगा, ये ताश नहीं है, ये कार्ड गेम है। इससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जान सकती हूँ। दो लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए पत्तों की जरूरत नहीं होती है। जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है? जब हमने अपने बच्चे के दिल की धड़कन पहली बार सुनी। सारंगा, तुमने अभी मेरा बच्चा कहा और कैफे में भी मेरा बच्चा कहा। अच्छा ठीक, हमारा बच्चा।
मेरा मतलब था कि तुम्हारा कोई मेमोरेबल मोमेंट, तुम्हारी बात हो रही है, कोई ऐसा मोमेंट जो स्कूल में हुआ हो या कॉलेज में। अच्छा आलिया जी, जब हम छोटे थे तो हमें राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला था अपनी कविताओं के लिए। रियली? अरे हाँ, झूठ नहीं कह रहे हम, सच में। और सोचिए इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा अनुभव, और ये मौका भी हमारे जल्लाद बाप ने हमसे छीन लिया। जल्लाद बापू? नहीं जाने थी हमें दिल्ली। सारंगधर और उसके फादर के बारे में मुझे जानना ही होगा। सुनो, बहुत जल्दी हम तुम्हारे लल्ला का पता तो लगा के ही रहेंगे। आरती का समय हो रहा है, जाएं हम? चलो। तुम्हारे डैड और तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम्स हैं? समझिए कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े प्रॉब्लम वही हैं। और डिटेल में पूछती हूँ। सो मुझे कुछ और बताओ तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। आलिया जी, क्यों आप अपना मूड खराब करना चाहती हैं? छोड़िए ना। हाँ, हम आपको अपनी अम्मा के बारे में बताते हैं। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। आ गई आप? जी बिल्कुल, शुक्रवार हो हम ना आए तो भगवान जी भी नाराज हो जाते हैं, ये वाले भी और वो वाले भी। पंडित जी, ये लाइन को देख करके अमित जी की वो बात याद आ गई हमें। कौन सी बात? जेलर साहब, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पांच नंबर। राधे राधे। राधे राधे। तुम क्लोज हो उनसे? बहुत, सबसे ज्यादा। हमें तो एक बात समझ में नहीं आती आलिया जी, कि बिना बात किए हम कैसे हैं, हमारा मूड कैसा है, अपने आप जान जाती है। पर हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, अपना दुख सुख जरूर बांटते हैं उनसे। तुमने अपनी मॉम को इस बेबी के बारे में बता दिया? कोशिश की थी हमने आलिया जी, पर मौका नहीं मिला। जब तुम्हारी मॉम को ये पता चलेगा तो क्या वो खुश होंगी? क्या तुम्हारे डैड खुश होंगे? हमारे जल्लाद बाप का तो नहीं पता, पर हमारी अम्मा हमारे हर फैसले में हमारे साथ खड़ी हुई है, और ये तो इतनी बड़ी खबर है। खुश होंगी या फिर बहुत चक्का जाएंगी हमें नहीं पता। बड़ी टेंशन हो रही है मुझे आलिया की। ऐसे वक्त में एक लड़की को सबसे ज्यादा उसकी माँ की जरूरत होती है, और मैं हूं कि शायद मेरी ही गलती की सजा है। प्लीज नंदनी, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। आलिया से दूर होते हुए भी तुमने उसे अपने पैरों पे खड़ा किया है। उसकी कंपनी में मैंने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए वो तुम्हारे ही तो हैं। आज अगर उसकी कंपनी है तो उसमें तुम्हारा भी हाथ है। और ये बात मिस्टर पूनावाला आलिया को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। डोंट वरी, चाहे मैं आलिया से इतने सालों तक दूर रही पर आज उसे मेरी जरूरत है। शायद वो ये बात कभी न माने, लेकिन इस सफर में मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे पता है कि वो मुझसे नफरत करती है, पर मैं उस पर गिव अप नहीं करना चाहती। मुझे आलिया से मिलना है। तुम्हें आलिया से मिलना चाहिए। रुको 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 रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। जी बताओ, हम कौन है? आप तो हमारे मालिक हैं साहब। भगवान तो ना है ना? हमारे लिए तो भगवान ही है साहब। सुबह सुबह भांग खाए का? नहीं साहब। भगवान जी वहाँ बांसुरी बजा रहे हैं खड़े है के, और हम मंदिर के बाहर से ही लौट आए। अब हमारी समझ में आओ कि वो हमारी काय नहीं सुन रहा है। गाड़ी वापस लो मंदिर, आज हम कमलेश्वरी के बगल में खड़े है के आरती करेंगे अपने आवे वाले लल्ला के लिए। चलो वापस मंदिर चलो। अच्छा, आपको पता है हमारे दो घनिष्ठ मित्र हैं, और उसमें से खास है गौरी। गौरी लड़की? नहीं आलिया जी, प्यार से गौरी। कमलेश्वरी को देखा होगा? कमलेश्वरी मौसी? हाँ, रिक्शे से बाहर कहीं जा रही थी। याददाश्त कमजोर रह गई क्या तुम्हें? अरे वो यहाँ आरती करने के लिए आई है।
सॉरी मिस्टर पूनावाला, थोड़ी लेट हो गई। देर ना हो जाए इसीलिए मैं जल्दी आ गया। हाय आलिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.